फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू एट आवर यूट्यूब चैनल डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, यू ऑल नो एज एट द प्रेजेंट टाइम वी ऑल आर गोइंग थ्रू ए क्रिटिकल कोरोना एपिडेमिक। सो आई हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू स्टे एट होम एंड बी सेफ। Take care. I hope you will have enjoyed our videos that I uploaded related to transitive verb, intransitive verb. तीन वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं हम transitive verb के बारे में, intransitive verb के बारे में, और पीछे की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी transitive verb के बारे में। वो ट्रांसटिव वर्ब जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती है, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ट्रांजिटिव जो दो ऑब्जेक्ट्स लेती है। और इन दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां एक बात अपने ने और की थी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये थिंग्स होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये पर्सन होता है। यहां तक हम बात कर चुके थे, आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कई ट्रांसटिव वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी उनका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट की इसकी जो कमी रहती है उस कमी को पूरा करने के लिए अपने बाद में एक वर्ड लेती है और उसी वर्ड को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसा हमने बात की थी कि इंट्रांसिटिव वर्ब भी अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? सेंटेंस को पूरा करता है, वाक्य को बढ़ाता है, जो कमी रह जाती है उस कमी को पूरा करता है। यहां जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये किसकी कमी को पूरा कर रहा है? ऑब्जेक्ट की। इसके अंदर जो कमी रह गई, इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था, उसको क्लियर करने का काम यहां पर, यहां जो वर्ड अपने रखेंगे वो करेगा। इसे हमने क्या कहा? कॉम्प्लीमेंट कहा। ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट का, इसीलिए यहां हम इसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और शॉर्ट में आप इसे बोल सकते हो ओसी। ठीक है, अब यहां आपको इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ट्रांसटिव वर्ब है वो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती है, जैसे गिव ट्रांसटिव वर्ब है, टेल ट्रांसटिव वर्ब है, आस्क है, ऑफर है, ये ट्रांसटिव वर्ब अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती है। और दो ऑब्जेक्ट लेती है तो उसमें एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। और जब हम पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं उस समय हम डायरेक्ट को भी आगे ला सकते हैं, इनडायरेक्ट को भी आगे ला सकते हैं। दोनों को कैसे आगे लाया जाएगा, क्या उनमें डिफरेंस होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा, ये हम पहले वाली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। अब यहां इसके बारे में डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनको तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय हम इन दोनों में से किसी को भी आगे ला सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसी सेंटेंस का पैसिव बनाओगे, कन्वर्ट करोगे पैसिव में ऐसे सेंटेंस को जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ ओसी लगा हुआ है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ओसी कभी भी पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बनता। सब्जेक्ट कौन बनता है? सिर्फ ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया दे इलेक्टेड हिम, हमने लिखा कैप्टन, या हम लिख देते हैं चेयरमैन। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया हर पेरेंट्स नेम्ड हर, अब हमने यहां लिख दिया सुनीता। फिर हमने एग्जाम्पल लिखा नेक्स्ट शी
कॉल्ड मी, अब हमने आगे लिख दिया ब्रेव, कवर्ड, या आप लिख दो ऑनेस्ट, ठीक है, या आप लिख दो पंक्चुअल। फिर हमने एग्जाम्पल अगला लिया एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स स्ट्रॉन्ग। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया आई कंसीडर हिम ट्रस्ट वर्थी। ये हमने एग्जाम्पल ले लिए। अब हम यहां से फर्स्ट सेंटेंस से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, इलेक्टेड क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, यहां ऑब्जेक्ट है। इलेक्टेड किससे बनाइए, इलेक्ट, इलेक्ट का मतलब चुनना, ये वर्ब है। इसी से क्या बना है, इलेक्शन, इसका मतलब क्या है, चुनाव। ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। इलेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, क्रिया है, और इसी से क्या बन गया, इलेक्शन, ये क्या बन गया, नाउन बन गया, इसका मतलब क्या है, चुनाव। जब आप इसमें ईडी जोड़ दोगे तो ये सेकंड फॉर्म वर्ब की और थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। पहला लिखा हमने एग्जांपल दे इलेक्टेड हिम, दे सब्जेक्ट, इलेक्टेड क्या है, वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब एक बार अपने यही सेंटेंस छोड़ देते हैं, अब हम इसे पढ़ते हैं। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे चुना, क्या चुना, ये क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए हमने क्या किया, आगे एक वर्ड जोड़ा कैप्टन, या हमने आगे एक वर्ड जोड़ दिया चेयरमैन, ठीक है। अब सेंटेंस क्या हो गया कि उन्होंने उसे एक कैप्टन या चेयरमैन चुना। अब ये सेंटेंस क्या हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब यहां देखने वाली चीज क्या है, देखिए इलेक्ट वर्ब है, इसका सबसे पहले इफेक्ट किस पर पड़ेगा, दे पर पड़ेगा, इसके बाद किस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, हिम पर। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये चुना जाएगा। अब हमने वर्ड कौन से लिखे हैं, कैप्टन और चेयरमैन, क्या इस वर्ब का इफेक्ट इस पर पड़ेगा या इस पर पड़ेगा, इन दोनों के ऊपर इसका वर्ब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, टाइटल है, पद नाम है, पोस्ट है, इनके ऊपर वर्ब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वर्ब का इफेक्ट सिर्फ कहां पड़ेगा, हिम तक पड़ेगा। दूसरा आप देखिए कैप्टन कौन है, ये कैप्टन, कैप्टन ये हिम ही तो है, या चेयरमैन हम लिखे हैं तो चेयरमैन कौन है, ये हिम ही तो है। इसी का हमने यहां क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, इसी को इनलार्ज कर दिया। तो यह जो वर्ड हमने यूज किया है यहां, इसे हम क्या बोलेंगे, ओसी बोलेंगे, या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा है, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहा है। अब दूसरा सेंटेंस हमने लिया हर पेरेंट्स, ये क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया। नेम्ड, नेम्ड का मतलब क्या है, नाम रखना, ये क्या हो गया, वर्ब। हर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम एक बार कट कर देते हैं, क्या हुआ, हर पेरेंट्स नेम्ड हर, उसके माता पिता ने उसका नाम रखा, क्या नाम रखा, अभी क्लियर नहीं हुआ, नेम वर्ब है, इसका इफेक्ट पहले इस पर पड़ा, इसके बाद यहां पड़ा। अब हमने क्या किया, एक नाम यहां जोड़ दिया, ठीक है, सुनीता। अब ये क्या हो गया, सेंटेंस क्लियर हो गया, हर पेरेंट्स नेम्ड हर सुनीता, कि उसके माता पिता ने उसका नाम सुनीता रखा। अब देखिए वर्ब का इफेक्ट यहां तक रहेगा, इसके ऊपर वर्ब का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एक नाम है, एक टाइटल है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम ओसी बोलेंगे, ये इस ऑब्जेक्ट की कमी पूरी कर रहा है, या आप कह सकते हो ये है कौन, यही तो है हर। अब अगला सेंटेंस अगर हम देखें, शी कॉल्ड मी, अब इसे यही छोड़ देते हैं सेंटेंस को। शी सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड वर्ब हो गया, मी क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। कॉल वर्ब है, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसा मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि कोई भी वर्ब है उसका सबसे पहला इफेक्ट है अपने सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। अब इसके बाद में इसका इफेक्ट किस पर पड़ा, मी के ऊपर पड़ा।
अब इसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, सी कॉल्ड मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, हमने एक वर्ड यहां लगा दिया ब्रेव, कि उसने मुझे बहादुर कहा, या हमने लगा दिया कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है कायर। एक बात आप ध्यान रखना, कवर्ड के साथ में मैन या कवर्ड बॉय या कवर्ड लेडी नहीं लगता, ठीक है। कारण क्या है उसका, कारण यह है कि कवर्ड अपने आप के अंदर नाउन है, इसके साथ में हम अगर हम लिखते हैं कवर्ड बॉय तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, खाली क्या आएगा, कवर्ड आएगा यहां। हाँ, सी कॉल्ड मी ब्रेव या कवर्ड या ऑनेस्ट, इनमें से कुछ भी लिख दीजिए आप। अब मीनिंग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, बहादुर कहा, कायर कहा या ईमानदार कहा। अब यहां वर्ब है और इसका पहले शी पर इफेक्ट पड़ेगा फिर मी पर, यहां इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, क्वालिटी है, गुण है। और यहां ये क्या बने हुए हैं, अगर आप देखोगे तो यहां पर ब्रेव है, कवर्ड है, ऑनेस्ट है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है, विशेषण। और ये एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहे हैं, मी के बारे में बता रहे हैं। ये मी की कमी है, उस कमी को पूरा कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ओसी बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें, एक्सरसाइज हैज मेड, एक्सरसाइज सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेड क्या है, ये मैन वर्ब हो गया। हिज मसल्स, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हिज यहां क्या है, वैसे प्रोनाउन है, लेकिन हिज यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, मसल्स के लिए। एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स, जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, उसने उसकी मांसपेशियों को बना दिया। अब कैसा बना दिया, क्लियर नहीं हुआ, हमने यहां एक वर्ड लिख दिया स्ट्रॉन्ग। अब सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया कि एक्सरसाइज है, उसने उसकी मांसपेशियों को मजबूत बना दिया। अब यहां स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग किसके लिए आया है, मसल्स के लिए आया है। मसल्स क्या है, नाउन है, इसी की कमी किसने पूरी कर दी, स्ट्रॉन्ग वर्ड ने कर दी, ये यहां पर क्या हो गया, ओसी हो गया। और जब वर्ब को आप देखोगे तो जो मेन वर्ब है मेड, इसका इफेक्ट एक्सरसाइज पर पड़ेगा, मसल्स पर पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ओसी बोलेंगे। अब नेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें एग्जांपल में, आई सब्जेक्ट है, कंसीडर क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। कंसीडर वर्ब का पहले आई पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद में हिम पर इफेक्ट पड़ेगा। ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, कि मैंने उसे सोचा। अब अगर यही सेंटेंस में छोड़ दूं तो ये मीनिंग क्लियर नहीं होता कि मैंने उसे सोचा, कैसा सोचा। अब आगे मैंने एक वर्ड लिखा ट्रस्टवर्दी, कैसा, विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य सोचा। अब यहां ये मीनिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, ओसी बोलेंगे या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ट्रस्टवर्दी कौन है, किसको सोचा, हिम को, ये इसी की कमी को ये पूरा कर रहा है। और यहां जो ये वर्ब है कंसीडर, इसका इफेक्ट यहीं तक रहेगा, खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओसी बोलेंगे। अब एक चीज जो यहां ध्यान देने वाली है वो क्या है, कि कई बार कंपिटिशन के अंदर ऊपर लिखा हुआ आता है चेंज द वॉयस या चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव टू पैसिव, पैसिव से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करो। तो उस समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का, ओसी कभी भी पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बनता। और कंपिटिशंस के अंदर अगर ऐसा आता है, एक्टिव ऐसा आता है, तो श्योरली क्या होगा, एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसके अंदर ओसी है, उस ओसी को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया हुआ होगा, और जैसे आप उसे टिक करोगे, टिक करते ही आपका क्वेश्चन है वो गलत होगा। पहले अपने ने डीओ और आईओ की बात की थी, डीओ और आईओ में तो क्या था कि इन दोनों में से आप किसी को भी पैसिव के अंदर पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन यहां क्या है, यहां सिर्फ ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ओसी आगे नहीं आएगा। अब यहां देखिए,
अगर हम इस पहले का एक एग्जांपल लें, हमने किसी का पैसिव बनाया दे इलेक्टेड हिम, हम इसे आगे लाएंगे हिम को ही में चेंज हो गया, ही वाज इलेक्टेड, आगे क्या लिखेंगे कैप्टन या चेयरमैन बाय देखा हमने क्या कर दिया देम, ठीक है। अब हिम में इसे हमने यहां पैसिव के अंदर सब्जेक्ट बना दिया, अगर आप यहां कैप्टन ले आते हो आगे, ठीक है, या चेयरमैन ले आते हो तो आपका वो पैसिव क्या होगा गलत होगा। इसी तरह से जैसे शी कॉल्ड मी, अब इसमें अगर आप पैसिव बनाओगे तो इसमें क्या होगा आगे क्या आएगा, आगे जो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा वो पैसिव का सब्जेक्ट मी बनेगा, ब्रेव है कॉर्ड है या ऑनेस्ट है ये नहीं बनेगा, आई क्या हो जाएगा वेज कॉल्ड, ब्रेव लिख लीजिए आप चाहे कवर्ड लिख लीजिए चाहे ऑनेस्ट लिख लीजिए बाई हर, ठीक है। अब यहां हम किसको आगे लाए आई को, अगर आपने ब्रेव कवर्ड या ऑनेस्ट इनको यहां आगे ले आए आप, यहां ब्रेव सब्जेक्ट बना देते हो तो आपका पैसिव क्या होगा गलत होगा। ये बेसिक बातें मैंने इसीलिए की है ताकि जब भी हम कंपटीशन देने बैठे तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो। सीधा हमने एक्टिव या पैसिव वॉइस स्टार्ट नहीं की, सीधे हमने टेंसेस स्टार्ट नहीं किए या कोई पर्टिकुलर टॉपिक सीधा स्टार्ट नहीं किया, इसके पीछे रीजन यही है कि अपना जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए उसके बाद के अंदर अपने टॉपिक वाइज चलेंगे। आज हमने बात किसके बारे में की ट्रांसटिव वर्ब के बारे में, उस ट्रांसटिव वर्ब के बारे में जो ट्रांसटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट है वो मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता तो उसके बाद में ओसी लेती है, और यह बताने के पीछे पर्पस यही था कि जब भी आप पैसिव बनाओ तो आपके पैसिव में बनाते समय माइंड में ये बात ध्यान रहनी चाहिए आपको कि ओसी है वो कभी भी पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बनता। एक चीज और आप यहां नोट कीजिए कि जो आप ओसी लिखोगे, ओसी जो भी होगा उसके आगे डिटर्मिनर का यूज नहीं करते हम, जैसे हमने ब्रेव लिखा ए ब्रेव नहीं लिखेंगे या द कवर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां ए कैप्टन नहीं लिखेंगे, डिटर्मिनर है उसका यूज नहीं किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी जो भी क्यूरीज है वो आप कमेंट में जरूर लिखिए, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम एंड वी विल ऑलवेज थिंक डीपली अबाउट योर वेलफेयर एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट।